हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेल। आज का वीडियो ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है, तो आज मैं हम बात करने वाले हैं इन महापुरुषों के बारे में। मुझे नहीं पता कि चंद लाइक्स एंड व्यूज के कारण इतना नीचे गिर जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा, सुशांत सिंह राजपूत का डेट हो गया था। कुछ टिकटॉक यूजर ऐसा है जो यहाँ पे इसे मिस यूज कर रहा है सिर्फ लाइक्स एंड फॉलोअर्स के लिए। मुझे नहीं पता यार, सिर्फ लाइक्स एंड फॉलोअर्स के लिए इतना नीचे गिर जाएगा कुछ लोग, जबकि इस भाई का टिकटॉक पे फैंस फॉलोवर चेक कर सकते हैं, 10 मिलियन फॉलोवर्स क्रॉस कर चुका है और इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। गाइस, अभी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया अपने घर पे। आप देख पा रहे हैं जी, धोनी में जिन्होंने एक्टिंग करी थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया अपने घर पे। रीजन क्या है इस सुसाइड का, वो आपको सीधा पता लगेगा यहाँ पे देख पा रहे हो, ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे मैंने स्टोरी पे डाला। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद आपको सारा क्लियर हो गया होगा। ये भाई देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का मरने का न्यूज जैसे ही वायरल हुआ, तो ये भाई लाइक्स एंड फॉलोवर के लिए कुछ इस तरह के वीडियो बना दिया। और इस भाई का यूट्यूब चैनल भी है और चैनल पे भी जाकर देख सकते हो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, कुछ यहाँ पे लाइक्स एंड व्यूज के लिए कुछ किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड कर देता है। उसे ये नहीं पता यार से लोग क्या सोचेंगे, या फिर हम जिस तरह के वीडियो बना रहे हैं वो पब्लिक जो है हमारा फैंस फॉलोवर है जो नेगेटिव वेब में लेके जाएंगे या फिर पॉजिटिव वेब में लेके जाएंगे। सिर्फ ये लोग अपना फैंस फॉलोवर बढ़ाने वाले काम करते हैं। और इसके बाद भाई ने एक सॉरी भी मांगा है, तो पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। गाइस, आई एम रियली सॉरी, रियली रियली सॉरी। आई नो मेरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से रिलेटेड। एक कोई डिवास्टेटिंग न्यूज़ को उठा के अटेंशन सीक करना बहुत ज़्यादा गलत है। मैं आपको सही बताऊँ, मैं हमेशा चाहता हूँ मेरी हर वीडियो में किसी ना किसी की लाइफ में कोई मैं वैल्यू ऐड कर सकूँ। मेरी 1% इंटेंशन नहीं थी कि आई नो मैं पूरा अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ उस वीडियो के लिए, क्योंकि वो वीडियो इतनी इनसेंसिटिव थी। आई एम रियली सॉरी। बस मेरा सिर्फ एक मोटिव था उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था मेंटल हेल्थ, जो कि ऑडियंस इग्नोर कर देती है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए। बस सिर्फ मेरा यही इंटेंशन था। मैं कभी भी शायद से लोगों को नहीं बोलता कि मुझे फॉलो करो, मैं सिर्फ बोलता हूँ ये देखो या फिर अपनी प्रॉब्लम मेरे को DM करो। बट आई एम रियली सॉरी। तो जैसा कि आपने वीडियो देख लिया, और जब फर्स्ट वीडियो उसने बनाया था, वीडियो में वो सिर्फ बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे आओ, मैं DM करता हूँ, रीजन क्या है जो किस लिए उसने सुसाइड किया था, इसके मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रखा हूँ, वहाँ पे जाओगे तो स्टोरी भाई तो लगा रखा है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें DM कर सकते हैं। लेकिन यार तुम DM करके देख लेना, तुम्हें घंटा नहीं रिप्लाई देने वाला है भाई। इस वीडियो को उसने अपलोड किया था, उस वीडियो पे कमेंट जाके चेक कर सकते थे, बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे, भाई मैं 1 महीने से 2 महीने से DM कर रहा हूँ लेकिन तुम रिप्लाई नहीं दे रहे हो। भाई जितने भी वीडियो इसने अपलोड किया है सारे वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो आप। सारे वीडियो में कहेगा इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे आओ, DM करो, ये करो वो करो। भाई सबके सब इस पागल बना रहे, सिर्फ इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए सब कर रहा है। ठीक है, तुम लोगों को घंटा नहीं रिप्लाई देने वाला है, जो अपने फायदा के लिए किसी भी तरह के वीडियो अपलोड कर देता है। और इस वीडियो से उसको पता भी चल गया होगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और वो खुद क्या है वो उसको भी पता चल गया होगा, ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेल चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।